तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं आया हूँ मुंबई अर्बन आर्ट फेस्टिवल में, जो कि है सेसॉन डॉक में। तो अभी आप देख सकते हो पीछे काफी सारा लाइन लगी हुई है। वैसे एक आर्ट फेस्टिवल है, आर्ट फेस्टिवल अराउंड स्टार्ट हुआ था दिसंबर 22 से एंड फरवरी 22 तक है ये। सो ये बहुत 2 महीने का कुछ इवेंट है, तो आप कभी भी आ सकते हो। मैं आया हूँ 29th of January। तो पता नहीं, वीडियो डालते डालते एक हफ्ता तो लग जाएगा, बट देख सकते हो पीछे लाइन है। तो अभी हम निकलेंगे, लाइन पे रुकेंगे एंड देखते हैं आगे का क्या प्रोसीजर है। आई थिंक इट्स प्री एंट्री, बट लेट्स सी। चलो शुरू करते। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग कल आए थे और हमें एंट्री नहीं मिली थी, तो आज सुबह सुबह आ गए हम लोग अराउंड 10:30 के आसपास। 11 बजे की एंट्री होती है संडे के दिन, तो अभी हम यहाँ से एंट्री लेंगे। तो आधा घंटे का टाइम है हमारे पास। तो मैं बताता हूँ इसका प्रोसीजर्स कैसा है। तो आपको इसके लिए ना ऑनलाइन में रजिस्टर करना पड़ता है, पेटीएम इंसाइडर्स करके वेबसाइट होता है। तो आप उसमें आपका नाम, डिटेल्स, जॉब, एज और ईमेल आईडी वगैरह करके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं होता, इस कम्प्लीटली 0 रुपीस। तो आप जस्ट रजिस्टर कर देना, और एक फ़ोन से सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि 2-3 लोग कर सके। तो जो जो आने वाला है ना, उन सबको इंडिविजुअली रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड इस रिकमेंडेड अगर आप सैटरडे संडे आ रहे हो तो एकदम सुबह सुबह आ जाओ, और या फिर पहले ही 1-2 दिन पहले आप रजिस्टर कर लो। तो सो फार इतना ही यहाँ पे, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद सीधा अंदर निकल जाएंगे। ओके, तो देख सकते हो कितना गर्दी है यहाँ पे, क्राउड लगी हुई है। सी, पूरा ऐसा राउंड लाइन लगा है एंड कम्प्लीटली भरा हुआ है प्लेस। तो निकलते हैं हम आगे, अभी लाइन पे रुकना है थोड़ी देर। हाँ, बहुत बड़ा लाइन है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है लाइन। उधर भी है, तो घूम फिर के अब ऐसा हो गया लाइन। यहाँ से ऐसा घूम फिर के अंदर। तो ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ ऐसा एक मेल आएगा, उसमें कंफर्मेशन होता है, सो ये दिखाना पड़ता है, उसके बाद आपको स्टैम्प मिलेगी। ओके, तो यहाँ से एंट्री लिया था हम लोग ने, अब जाना है वहाँ पे। तो गाइस, हमने एंट्री ले ली है और हमारे हाथ में स्टैम्प, देख सकते हो स्टैम्प लग चुकी है हाथों में, देखो। तो जस्ट जस्ट एंट्री हुआ है, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ इसका जो एंट्री ले लिया है। तो अभी अंदर जाता हूँ, दिखाता हूँ कैसा है यहाँ। ओके, तो पहला रूम में कुछ ऐसा दिया है, हमारा फर्स्ट रूम था ये, ग्राउंड फ्लोर का ही है ये। वो यहाँ पे बहुत सारे आर्ट्स दिया हुआ है, जैसे मोस्टली जो भी है स्क्रीन में है, और एक से आप देख सकते हो, मैं ऐसे ही बताता हूँ आप लोग को, सी कैसा दिख रहा है। ये सब तो स्टिल है, वो कुछ मूविंग आर्ट भी है वहाँ पे, सी वहाँ पे। तो आई गेस ये रूम में इतना ही है। तो अब यहाँ से निकल के ऊपर जाता हूँ, तो ये वाले पार्ट में ना सिर्फ 2 ही फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है जो फर्स्ट फ्लोर है। तो अभी फर्स्ट फ्लोर में जाके देखता हूँ, और यहाँ पे कुछ हो रहा है जर्नलिज्म का कॉन्फ्रेंस, तो ऊपर जाते हैं हम। तो जा रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे, एज यू कैन सी वहाँ पे इवेंट हो रहा है। ओके, तो जस्ट एंट्री किया हम फर्स्ट फ्लोर पे। ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब एक बड़ा सा रूम है, उसके बीच में इन्होंने एक छोटा सा रूम जैसा बनाया है, और उस रूम के अंदर सी इट्स मोर लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग जैसा बनाया इन्होंने, सी इसके अंदर एक रूम है प्रॉपर वाला, और आर्टवर्क से बहुत सारा। दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट फ्लोर, अभी निकलते हैं यहाँ से आई गेस। निकलेंगे हम, जाएंगे उस पार पे जहाँ पे और 2 बड़े बड़े रूम्स है। तो वापस आ गए हम लोग, यहाँ से एग्जिट इसका अलग रूट है, तो आई गेस यहाँ से कुछ एग्जिट है इसका, एग्जिट यहाँ से है ना, इसका एंट्री यहाँ से था। हम पूरा देखे ऊपर से घूम फिर के वहाँ से आ गए हम, अब जाना है हमें उस पार। तो गाइस देखा जाए ना, देखने के लिए सिर्फ 5 मिनट का चीज़ है अंदर, ऐसा कुछ ये नहीं है कि बहुत टाइम लगने वाला है, नहीं, बहुत बहुत सिंपल से था। लाइक हम लोग कल इसके लिए एक घंटे से ज़्यादा रुके थे, आई वॉज थिंकिंग ना वेट करने का मतलब नहीं है, मतलब नीचे के पार्ट में तो एक छोटा सा आर्ट था और ऊपर के टाइप एक इंटीरियर डिज़ाइन जैसा रूम था। अब आए हैं हम एक्चुअल वाले प्लेस में, यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है, 2 अलग अलग नाम है उसके, आई डोंट रिमेंबर इट। तो अभी निकलता हूँ आगे। सो सी ये वो पार्ट है,
कल का देखा होगा, कल का मैं दिखाता हूँ अभी। कल में कल अभी कितना दिख रहा है, कल तो पूरा कंप्लीटली क्राउडेड था। देख रहे हो लाइन गाइस, जिस तरीके का लाइन है ना यहाँ पे, बोलो ही मत भाई साहब, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन। अच्छा इसके अंदर जाना है, ओके। तो इसके एंट्री का लाइन है इतना। यहाँ पे एक दूसरा लाइन दिख रहा है, आई गेस दूसरा एंट्री के लिए। लाइन ही लाइन है भाई यहाँ पे। दो खत्म, ये दूसरा पार्ट। तो आगे है यहाँ पे आई गेस जेटी पॉइंट। वो लाइट हाउस भी दिख रहा है यहाँ से एक, सी लाइट हाउस नहीं है, आई एम नॉट श्योर क्या है वो, पर जो भी है। सो यहाँ से सी व्यू दिख रहा है एंड ओके यहाँ पे टिकट सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओ रजिस्टर हियर करके दिया है यहाँ पे, तो यहाँ से रजिस्टर करना है सी। तो आए हम सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट का नाम है इल्यूशन भ्रम। तो एक्चुअली यहाँ पे बताया क्या क्या रूल्स है, जैसे लिमिटेड कैपेसिटी है पहली बात, तो वेन्यू अराउंड कुछ 125 पीपल जा सकता है ग्राउंड फ्लोर में एंड 75 पीपल जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में, ऐसा वहाँ पे लिखा है। तो ये वाला पार्ट है इल्यूशन। तो अभी हम जाएंगे अंदर यहाँ से, ये तो हम एंट्री लेने वाले हैं यहाँ से। सैम है ऑलरेडी, ओके। तो पहले जाते हैं हम ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा ओके, सर को सर को सर। तो अभी जा रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर। देखते हैं फर्स्ट फ्लोर में क्या है, ग्राउंड फ्लोर में काम चालू था। लाइन नहीं लगी है ना, ओ वाओ। हम लेफ्ट से कवर करेंगे, लेफ्ट में क्या है देखेंगे पहले। ओके यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ऐसा रूम है सी, और कुछ आर्ट वर्क्स के नाम पे इल्यूशंस। तो देखा जाए तो यही है यहाँ पे, एक एंगल से दिखेंगे आर्ट वर्क, दैट्स द इल्यूशन हियर। ऐसा दिख रहा है क्या? इधर से देखो, इधर से भी था। तो सो ओके, तो ये आर्टवर्क इस एंगल से दिखता है एक्चुअली। बाकी देखा जाए तो ऐसा अगर आप घूमोगे तो यहाँ पे आपको आर्ट नहीं दिखेगा, तो इस लाइक बहुत सारे पीसेस को मिला के इन्होंने आर्ट बनाया। यही इस पार्ट का खासियत है, इस पार्ट में इतना ही है बाय द वे। एंड यहाँ पे सेकेंड आर्टवर्क सी, ओके सो आई गेस ये ए एंगल से दिखेगा, देवी है आई गेस, गॉडेस, समझ में नहीं आ रहा है बाय द वे। और देखेंगे हम थर्ड प्लेस पे क्या है, थर्ड प्लेस पे ओके कुछ फोटोज वगैरह है, आइस का, आइस फैक्ट्री का आई गेस कुछ फोटोज। एंड यहाँ पे कुछ मार्केट का फोटोज दिया है, कुछ ऐसे पेंटर्स, मतलब वॉल में थोड़ा बहुत ऐसा डेकोर, क्या बोलते हैं अभी, पोस्टर्स वगैरह लगा हुआ है। Next,
वाह ओके एक चीज देखा ही नहीं ठीक से कि आपने ना ऐसा आर्टवर्क दिया छोटा छोटा आपका आर्टवर्क सर ऑल द पेंटिंग्स जो इन्होंने बनाया है यहाँ पे से हमारा रुखसार जी ये देखो नीचे का लाइन देख रहे हो कितना बड़ा लाइन लगा हुआ है नीचे तो फर्स्ट फ्लोर का तो हम लोग ने देख लिया कि आते आते फर्स्ट फ्लोर में गया अभी हम ग्राउंड फ्लोर देखते चलो हम जाएंगे अभी ग्राउंड फ्लोर ओके तो ये है ग्राउंड फ्लोर ओ वाओ द हेल क्या ही कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट गाइस कांट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे लाइट्स का गेम्स हो रहा है ऐसी वाओ क्या मस्त लग रहा है यार मोर लाइक पता नहीं वहाँ पे क्या है बट वहाँ पे लाइन लगी हुई है गेम ऑफ लाइट्स ओ यहाँ पे कुछ है लाइट्स बढ़ गया लाइट्स बढ़ गया लाइट्स बढ़ गया ओ अब इन्होंने प्रोग्रामिंग बहुत सही की है तो हम लोग वापस यहाँ पे अंदर लाइन पे रुक गए देख सकते हो बहुत बड़ा लाइन लग गया अंदर भी तो यहाँ पे एक रूम है उधर जाने वाले हैं हम यहाँ पूरा लाइट के साथ ऐसा दिखता है कंप्लीट ब्राइट फोटोज ले सकते हो अच्छा खासा गाइस प्लीज रिक्वेस्ट यहाँ कोई नहीं खड़े रहेगा प्लीज अंदर जाएगा आप लोग अंदर से फोटोशूट करके आएंगे प्लीज रिक्वेस्ट ओके चलो 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 कहाँ पे है अंदर अच्छा यहाँ से अंदर ओ माय गॉड दिख भी नहीं रहा है यहाँ से अंदर जाना है गाइस सी ए भाई समझ में नहीं आ रहा है कुछ इस पे तो बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है कुछ बहुत अंधेरा है यहाँ पे सबसे एंड में यहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको रुक ना पूजा ओके सी तो कुछ ऐसा है प्रोजेक्शंस जितना पास जाओगे उतना अच्छा दिखेगा यहाँ पे कैसा है लाइक जितना कम लेयर उतना मस्त सी अरे यार बंद हो गया हो यहाँ से मस्त दिख रहा होगा सी ये उन्होंने मस्त बनाया इल्यूशन वाले रूम में ओके दो वाले रूम से तो मैं आ गया लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है सी पूरा लाइन 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 इनका जो लाइट वाला गेम था ना वो भी बंद हो गया फिलहाल तो बस बहुत छोटा सा था लाइक दो मिनट का काम था अंदर वैसे कुछ खास ये नहीं है बट सही है वो वापस लाइट चला गया भाई वक्त आ गया है यहाँ से एग्जिट मारने का एंड वी आर गोइंग आउट फ्रॉम हियर यहाँ पे एक फाइनल आर्टवर्क बोल सकता हूँ जो बहुत सारा छोटा छोटा मिरर्स लगा हुआ है यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसमें मैं बता नहीं सकता अभी सो ये था यहाँ से एग्जिट ये तो एग्जिट करने से पहले हमें मिल गया है और एक लाइन और यहाँ पे आगे कुछ मिरर्स है आई गेस उसके ऊपर आर्टवर्क है फिर इसके बाद यहाँ से घूम फिर के वापस यहाँ से एग्जिट मार लेंगे यहाँ पे इसका एक थीम है हाउस वाह 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 फुल मिरर से बनाओ ठीक हम मिरर में देखो हाउस ऑफ मिरर्स ऐसा बोल सकते हैं मोर लाइक हाउस ऑफ मिरर तो इसके पीछे वो सब फोटो से जो उस इंसिडेंट में कुछ हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वही सब दिखाया जा रहा है यहाँ पे बहुत सारा मिरर्स एंड बहुत सारे वही इसी के पोस्टर्स वगैरह लगा हुआ है यही सब आर्टवर्क है यहाँ पे सी ओके तो ये वाला रूम से हमने एग्जिट कर लिया है अभी देखा है तो मुझे ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा अच्छा लगा फर्स्ट फ्लोर से लेकिन हमको पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ा था वो वहाँ से तो निकल गए हम अभी हम जा रहे हैं दूसरे बिल्डिंग पे
तो ये है इंट्यूशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ से हम जाएंगे अंदर। ओ वाओ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन सिक, चले अच्छा लगा। ये बहुत छोटा नहीं है लेकिन ऐसा प्लास्टिक वेव से बना है। फैमिली ऑटोम बहुत बड़ा रूम है, इसको इंट्यूशन नाम दिया है। एंड ये कुछ ऐसा है इस पार से उस पार तक, तो बहुत बड़ा हॉल एक सी। और फ्रेंकली स्पीकिंग ठीक है, अच्छा है, कुछ आर्ट होगा इसके पीछे। एंड वहाँ पे भी एक रूम है। ओ वाओ, ये वाला रूम थोड़ा और क्लासी है। बहुत सारा पेंटिंग्स बोल रहा हूँ, बहुत सारा अल्फाबेट्स लिखा हुआ है एंड बहुत सारा मिरर्स दिया हुआ है नीचे। नो आइडिया इसका क्या मीनिंग है, बट क्रॉस कर लेता हूँ मैं एंड ओवरऑल दिखाता हूँ कि आप लोग को रूम में क्या है। सी तो ये वाला पूरा रूम दिख रहा है, सी पूरा अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स एंड बहुत सारा मिरर्स। ओके, तो हम यहाँ से आगे निकल रहे। ए वाओ, दैट्स नाइस, अब लग रहा है कि हाँ है कुछ। एनीवेज थोड़ा और आगे जाता हूँ। क्या है ये? समझ नहीं आ रहा है क्या है ये। ये कुछ लग रहा है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है। पीवीसी पाइप्स लग रहा है ये सब। हाँ, ऊपर का सब पीवीसी है, नीचे का मेटल्स है। तो पीछे ना पोर्ट्रेट भी ऐसी मस्त वाला पेंटिंग दिया है। नाइस, तो आई गेस सही है, तो उसमें से जा भी सकते हो लेकिन भीगना पड़ेगा, बेटर हम नहीं जा रहे। चलो चलो फास्ट चलो। अरे वाह, तो बहुत बड़ा फ्लोर है। सी सब कुछ बैठने का जगह दिया है और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड ओवर वाला पार्ट जाएंगे अब। वाह, छोटा छोटा ऐसा घर बनाया है, देखो ऐसा लग रहा है हांगकांग आ गए हम। हांगकांग के पुराने बिल्डिंग्स लग रहा है। सी वाह, टोपा सबसे अच्छा यही लगा मेरे को यहाँ पे, इन्होंने बॉक्सेस से कैसा बिल्डिंग्स बना दिया है। सी वहाँ पे भी है एंड ये भी है। सॉरी एंड सी कैसे घर।
तो डिटेलिंग देख सकते हो, ये पार्ट तो मुझे पक्का लग रहा है इंडिया का है। आई एम नॉट श्योर ये कौन सा पार्ट बनाया है लोग ने। आई गेस फ्रॉम स्लम्स टू कोऑपरेट बिल्डिंग, ऐसा है इनका आई गेस थीम, नॉट श्योर है ना। 1819 का बिल्डिंग लग रहा है सी। अच्छा है, और सबसे बेस्ट तो ये वाला है सी 1962। ओके तो वहाँ से एंट्री किए थे हम, ये पूरा पार्ट देख लिया और यहाँ पे एक और रूम दिख रहा है, सो यहाँ पे भी देख लेंगे क्या है। ओ वाव, वाओ इसका फेस कैसा बना है, फुल मिट्टी से। यहाँ पे एक आंटी दिखाया गया है, आई एम नॉट रॉन्ग, एक बॉइल हो रहा है वो, समझ में नहीं आ रहा है बट वैसे ही कुछ है। और ऊपर जाना है। ओ वाओ लुक एट दिस आर्ट वर्क हियर, प्रेग्नेंट हो। आते आते यही दिखा मेरे को सही, यहाँ पे आर्टवर्क्स है, वहाँ पे है, पीछों पीछ बना के रखा है, तो ओवरऑल 360 डिग्री यहाँ का ये है। बुलावा आया, जरा देख लेता हूँ, इधर हूँ मैं। हाँ दोनों एक ही लग रहे हो। तो हमने लास्ट वाले बिल्डिंग से भी बाहर एक्सिट कर लिया है, हमने सब देख लिया है बाय द वे। अभी यहाँ पे ठीक पीछे आप देख सकते हो एक पूरा पोर्ट बना हुआ है पुराना वाला। तो मैं रिव्यू देना चाहूँगा इस प्लेस को लेकर, तो हम देखो आई विल से, अगर आप आर्ट लवर है तो ही आओ। क्राउड दिख रहा है अगर आपको सी, अगर आपको बहुत क्राउड दिख रहा है एंड यू आर लाइक आना चाहिए कि नहीं, रुकना चाहिए कि नहीं, एक दो घंटा तीन घंटा, तो आई विल सजेस्ट कि आप आर्ट लवर है तो ही आओ, वरना इतना वर्थ इट नहीं होगा बहुत टाइम वेट करने का। वैसे भी ये इवेंट फ्री है, तो फ्री में तो यू नो यू कैन से एनीथिंग, अच्छा ही है। तो फोटो लवर्स वगैरह होते हैं ना, तो उन लोग के लिए अच्छा प्लेस है, यहाँ पे आप फोटोशूट्स वगैरह ले सकते हो फ्री में, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बस लाइन रुकने का थोड़ा इश्यूज होता है, बाकी सब सही है यहाँ पे। ओके तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, और देख सकते हो कितना क्राउड लग चुकी है। कल भी ऐसी बड़ी सी लाइन हुई थी यही टाइम पे, अराउंड टू, अभी तो 12:57 ही हुआ है, ऐसी बहुत बड़ा लाइन लग चुका है। तो गाइस हमने कवर कर लिया है पूरा आर्ट जितना भी था, बस एक ही सजेशन दूंगा आप लोगों कि आप आ रहे हो तो आप टिकट लेके जरूर आना, क्योंकि गर्दी बहुत बढ़ चुका है। अराउंड लाइक 1 बजे के बाद तो बहुत गर्दी हो जाती है, आ रहा है तो एकदम सुबह सुबह आ जाना, वीकेंड्स के बात कर रहा हूँ मैं, वीकडेज में आई गेस कभी भी आ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले बार मिलेंगे, अंटिल देन गुड बाय।